अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, तो संडे की छुट्टी के बाद मैं आ चुकी हूँ टंटना जी जनाब, पारस वाइल्ड फ्लावर मैन बाय एस मरवा मिर्ज़ा 68। धमाकेदार बहुत ही स्पेशल एपिसोड आने वाली है ये, और आगे 9 और 10 मुहर्रम की मैं भी छुट्टी करूँ मैं एपिसोड की, ठीक है। तो अगर इन दिनों ना एपिसोड आई तो ज़्यादा शोर वोर नहीं मचाना, ठीक है, सब्र करना है बेबी। इस वीक में मैं आपको अगले नेक्स्ट संडे भी एपिसोड दे दूँ, कोशिश करूँगी लेकिन वादा नहीं करती, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए एपिसोड की तरफ, लेट स्टार्ट। इब्राहिम को ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल कर दिया गया था, इस वक्त वह अद्वियात के असर से निकल चुका था। परीसा और हाशिम साहब भी सुबह 9 तक हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। सर्जरी काफ़ी रिस्की थी, तभी डॉक्टर्स की तसल्ली के बावजूद अभी तक हर कोई परेशान था। सुहाना को 5 मिनट की परमिशन मिली थी इब्राहिम को सी ऑफ करने की, क्योंकि माँ या बीवी का ऑप्शन था कि वो सर्जरी से पहले पेशेंट से मिल सकती हैं, जबकि बाकी सब बाहर वेटिंग रूम में थे। जबकि हातिब इस वक्त इब्राहिम के डॉक्टर से बात कर रहा था, जिससे सर्जरी का प्रोसेस, डिटेल्स और टाइमिंग के बारे में ब्रीफ कर रहे थे। इसे कुछ ना हो मेरे अल्लाह, बस यहाँ से हम इब्राहिम को उसके पैरों पर चल कर जाता देखें। परीसा की तो हर रात ही जाती दुआ इस वक्त इब्राहिम के लिए वक्फ थी, जबकि अमायमा भी उनके कंधे से लगी बैठी अफसरदा थी, क्योंकि जितने दिन हातिब के साथ रही इतना तो जान गई थी कि इब्राहिम भाई हातिब के लिए कितने अहम हैं। आमीन, क्या वो हमेशा से हातिब के साथ है मामा? अमायमा ने इसी उदासी से सवाल किया तो परीसा फीका सा मुस्कुराई। हाँ ना, बचपन से, जब से इब्राहिम ने अपनी माँ खोई तब से वो मेरे पास रहा। उसकी मम्मी मेरी बहुत प्यारी हेल्पर थी, अगर कहा जाए वो मकदाम पैलेस की इवेंट ऑर्गेनाइजर थी तो गलत ना होगा। वो दोनों बहुत जल्द छोड़ गए। इब्राहिम के बाबा हाशिम के अच्छे साथियों में थे। जिंदगी इतनी बेयकीन बन गई इस छोटे से बच्चे के लिए कि मुस्कुराहट तर कर दी। फिर धीरे धीरे जब वो अपने दुखों से निकला तो मुझसे अटैच होना शुरू हुआ, मेरे बच्चों से हुआ। हातिब तो आँख से उज्जवल हो जाए तो परेशान हो जाता, फिक्र करता, ये स्कूल में पंगे करता, और इब्राहिम बेचारा मुझ तक शिकायत पहुंचने से पहले माफियां तलाफियां करके बात ही सुलझाता। सुहाना तो उसके साथ रही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर कब इब्राहिम हमारे घर का हिस्सा बना ना उसे पता चला ना हमें। हातिब के लिए अपनी मेडिकल की पढ़ाई के बावजूद ग्लोमा को और उसके आउटडोर बिजनेस में हेल्प की हमेशा, और सबसे बड़ी बात वो बहुत नेक और फर्मा बरदार बच्चा रहा। मेरे सब बच्चे कहीं ना कहीं मुझे तंग करते रहे। आहिल ने हेल्थ वाइज बहुत किया, लेकिन इब्राहिम ने हमेशा मुझे कहा कि परीसा आंटी मैं संभाल लूँगा, मैं हूँ ना, आप फिक्र ना करें। आज जब इब्राहिम ज़िंदगी के कड़े इम्तिहान से गुजरा तो परीसा को उसकी मोहब्बतें, उसका खलूस और उसका साथ रुला रहा था, क्योंकि जानती थी ये दिल का आर्ज़ा इन्हीं दुखों पर लगता है जो बर्वक खोले नहीं जाते, और वह अफसरदा थी इब्राहिम के ना शेयर किए जाते दुखों पर। कितने प्यारे और इम्पॉर्टेंट हैं वो मामा। हातिब मतलब बचपन से आफत थे, तभी अब बड़ी आफत हैं। इस बार दोनों मुस्कुराते प्यारी लगी। उफ पूछो मत, जब छोटा था तब तो इसे संभालने की पूरी जिम्मेदारी अलाइम। परीसा की आंखें अजियत का घर बन गई की थी, लेकिन उसके बाद जैसे इसका तंग करना मोहलिक होता गया। इब्राहिम था उसके साथ इन कई कड़वे सालों, उसको हंसाने वाला, उसको जिंदगी का एहसास एक साथी और हम नवा की तरह दिलाने वाला, वरना हम तो उसकी अदालत के 17 साल से मुजरिम साबित हुए आ रहे थे। अमायमा ने मम्मी की आंखों में अलाइम की तड़प देखी तो हातिब की आंखों की तड़प याद आई। हातिब अलाइम भैया के जिक्र पर ऐसे ही टूट गए थे। अब परेशान ना हो, अल्लाह है ना, आपके अलाइम और मेरे बाबा को जल्दी भेज देगा हमारे पास। अमायमा की बाबा को लेकर इस ख्वाहिश ने जहां परीसा की आंखें लाल की, वहीं आ रुकते हातिब का कलेजा कटा। एकदम हातिब की नज़र मामा से मिली। उफ, इस नज़र में कैसी कैसी तकलीफ ना थी। ना भी भेजा तो हम अपने दिल की मोहब्बत और दुआएं तो उन्हें अरसाल करते रहेंगे। वैसे तुम आधे मेरे बाबा ले सकती हो, थोड़े फाल्टी सही पर इतने भी बुरे नहीं। हातिब ने अपनी अजियत अपने अंदर घोट कर जैसे एक निशाने से 2 तीर लगाए मंजर आशाश कर उठे। फाल्टी पर हाशिम जो सामने वाली रो में बैठे थे दांत पीस कर रह गए, जबकि परी और हाशिम के साथ अमायमा भी जानती थी कि हातिब ने इतने बुरे भी नहीं क्यों बोला, सिर्फ इसलिए कि हाशिम उकदाम ने सुहाना और परी के साथ दिल से ना सिर्फ कबूल कर लिया था बल्कि अपनी मौजूदगी से यह भी एहसास दिला दिया कि वो अपने किए पर सच में शर्मिंदा हैं। और वैसे भी रही सही कसर यकीनन आहिल की आमद पर पूरी हो जाती जब वो शिजा की हकीकत जानते। हाँ मायमा, इसका बस चले ना मुझे 2 हिस्सों में कट कर दे, जल्लादी औलाद। हाशिम भी माहौल पर छाई हब्स कम करने को मुँह बिगाड़ कर बोले। हातिब ने फीके अंदाज में सर हिलाकर तायद वसूल की, जबकि परीसा और मायमा हंस पड़ी
और इस वक्त हंसी का ये फूल कितना अहम था ये कोई सोच भी नहीं सकता था। वहीं सुहाना इस वक्त इब्राहिम के पास फुल कवर प्रिकॉशंस को पूरा करती बैठी थी, जो इस वक्त होश में था। हाँ, सर्जरी हद दर्जा रिस्की होने के सबब थोड़ा सा फिक्रमंद था। तुम्हें प्रॉमिस याद है? वो उसके हाथ को अपने होठों से चूमे नकाहत से बड़ी आवाज़ में बोला। फ्लॉइड की ड्रिप एक बार फिर लगी थी और आगे का सोचकर सुहाना की जान जा रही थी। हाँ, तुम्हें तुम्हारी अहमियत बताने को मर रही हूँ। वो मुस्कुराने की नाकाम कोशिश में आंसू छुपाती उसके माथे को चूमती वापस उठी। मतलब तुम जालिम नहीं रही अब? वो खुशगवार सी हैरत से मुस्कुराया और वो नम आंखों से हंसी। तुम्हारे लिए ज़रा नहीं रही, तुमने कोई स्ट्रेस नहीं लेना। कल से तुम्हारे पास थी, तुम होश में नहीं थे, लेकिन मैंने तुम्हें जी भर कर देखा और मज़े की बात जी भरा ही नहीं। सो जल्दी से वापस आओ और मुझे फिर से मिलो ताकि ये जी भर सके। वह उसकी मोहब्बत भरी ताकीद पर हंसा, दो उंगलियों में सुहाना की गाल ली। ये जी नहीं बढ़ना चाहिए, मैं नहीं चाहता। आवाज़ जज्बात के गलबे से भारी थी। जो तुम कहो, लेकिन मिलने में कमी ना हो। जब जी बढ़ने लगा ना, मैं तुमसे थोड़ी दूर होकर दोबारा से लेवल घटा लिया करूँगी। ऐसे हमारे रिलेशन में कभी किसी का जी नहीं भरेगा। कैसा लगा आइडिया? वो शोही से मुस्कुराई, पर इन आँखों के किनारे का क्या करती जो इब्राहिम के खो जाने के डर से ना चाहते हुए भी भीग रहे थे। तुम्हारी तरह है वो। इसे तख्ता संजीदा हुआ, मतलब जालिम। वो बरहमी से गोरी और इब्राहिम की संजीदगी गायब हो गई। तुम जालिम हुआ करती थी, अब बहुत वो हो गई हो। उफ, इस आदमी की इस हालत में भी फितना खेजियाँ क्या? वो तजस्सुस से पागल हुई। क्यों बताऊँ? वो डिठाई से मुकरा। सुहाना मुस्कुराई, वो पुरुमीद और स्ट्रांग महसूस हुआ तो दिल तक तसली उतरी। मैंने तुम्हारी बहुत बेकदरी की ना, तो बस एक मौका मिल जाए मुझे, मैं बताऊंगी दुनिया को मोहब्बत करने वाले शख्स की कदर कैसे की जाती है। इब्राहिम अफंदी, आई एम वेटिंग फॉर यू। शायद ये लम्हा बहुत मुश्किल था कि सुहाना से आंसू संभालने दो बढ़ते तो इब्राहिम से ये कहना कि मत रो, क्योंकि अक्सर औकात कहानी अच्छे मोड़ पर बिना अंजाम ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन इस कहानी का मुसन्निफ तो अच्छे अंजाम देने में माहिर था, फिर भला कैसे मुमकिन था कि कोई हेर फेर होता? लेट्स सी मिसेस। वो थका सा सांस भर गया। सुहाना ने मुस्करा कर उठना चाहा जब इब्राहिम ने हाथ दबोच लिया। वो इस पर धीरे से झुकी। इस सर्जरी से पहले जब लोगों को सांस लेने की होश नहीं होती तो मैं मेरी गुड बाई किस चाहिए। तारीख में तुम्हारा नाम सुनहरी हरफों से मैं खुद लिख कर आऊँगी। सुहाना ने उसकी नर्म से सर्जनिश की ही कि इस जद्दी शख्स ने उसके गुलाबी मोतियों से मुस्कुराते होंठों को सांसों में परो लिया। हालत दर्द में अस्थिर निषाद परवर लम्स वैसा ही सुकून देते हैं जैसा तपती प्यासी जमीन पर मुद्दतों बाद गिरती बारिश की आँख बूंदे। तुमसे जुड़ते ही मेरा दर्द, मैं और मेरा दिल सब बेख्तियार हो गए हैं। अब जाओ, वरना डॉक्टर्स को सर्जरी से पहले मेरी सुहागरात अरेंज करनी पड़ेगी। वो जो पहले इजहार पर मबहूत थी, अहतमाम तक दिल समेत थम गई। फिर दोनों कातिलाना हंस पड़े। तुम एक नंबर के लुच्चे हो, ये बेख्तियारी थी। और फिर उसकी गाल को चूमती कुर्बान और निसार नजरों से मुस्काई। जल्दी आओ मेरे पास वापस, तुम्हें एक क्या हजारों सुहाग रातें अनायत करूंगी। वो ऐसे इतराफ के बाद इब्राहिम का दिल उछर कर छलांगे ना मारता ऐसा मुमकिन थोड़ी था। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ इन हजारों रातों की एक ही रात में कसर निकालने को। सो डरना शुरू कर दो, अब जाओ वरना पहलू में छुपा लूंगा। ये आदमी, उफ, इससे दूर होना मौत सा था। पर ये आखिरी बार का जबर किया इसने और इब्राहिम से दूर होकर इसे डॉक्टर्स और अल्लाह के सपोर्ट कर दिया। और कहते हैं जिसे हम अल्लाह के सपोर्ट करें, हमारी इस खुशी की अल्लाह एक्स्ट्रा हिफाजत करता है। शहताज ने दोनों को बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया और अपनी एक मीटिंग ऑनलाइन ही अटेंड करने लगे ताकि नाश्ता अहल और शिजा के साथ ही कर सके, क्योंकि वो शिजा के साथ के अलावा ये भी खुशी का बायस महसूस कर रहे थे कि वो उनके घर में मौजूद है, सुकून की नींद में है। अब उनको क्या पता कि शिजा का सुकून आहिल साहब सारी रात लूटते रहे और वो बेचारी नन्ही जान हलकान हो चुकी है। आहिल ने रातों रात फ्री होकर ना सिर्फ अपने मसले बताए बल्कि शिजा से इन मसाइल का इलाज भी जी भर कर बटोरा। और सितम के सुबह की रोशनी बहुत देर से फूट चुकी थी, तब भी आहिल का दिल ना भरा वो शिजा को खुद से दूर होने देता। आहिल कुछ होगा तो नहीं? वो जो उसके कंधे में चेहरा छुपाए मस्त होकर गदों की तरह पड़ा था, रात से अब तक शिजा के एक से सवाल पर चेहरा उठाए गुरा। शिजा, 25वीं बार पूछा तुमने ये सवाल, ना कुछ हो भी गया तो जेल थोड़ी हो जाएगी हमें। तुम्हें आहिल की क्वालिटीज पर भरोसा नहीं क्या? वो जो आहिल की रात हादसे बढ़ने पर जरा भी खफा या घबराई ना थी, आखिरी डर वाला जज्बा भी परे करके मुस्काई। मुझे आपकी बेसब्रियों पर शक है। वसल की हिद्दत से गुलनार चेहरे के हदोहाल में जब शेरी और बेखुद शरारत गुली
तो आहिल ने उसके चेहरे पर झुकते बेसब्री का एक कड़ा मुजाहरा करते शजा में फिर से चिंगारी भड़काई, बोले बस्ता कर दी गई, जिसकी तुम जैसी ग्रीन फ्लैग वाइफ हो वो आदमी का लम्हा सब्र ना करे। मैंने तो बहुत दिन तरस कर गुजारे हैं, अब तुम मेरी बेसब्रियों को शौकी नजर से देखो तो क्या कह सकता हूँ ये करने के सिवा। आहिल की बेशर्म वजाहत ने शिजा की गालों में रंग से भर दिए। आपने ये सब कहाँ से सीखा? शिजा ने शर्माते हुए सवाल किया तो आहिल उसकी ठोड़ी पर प्यार करते हंसा। क्या बीवी पटाना? वो सरासर जानलेवा बना हुआ था। अरे नहीं, वो जुन जला गई। हाँ ओके समझ गया, जब अल्लाह बीवी देता है तो उसे काबू करने के तरीके खुद आ जाते हैं, जैसे मैंने तुम्हें किया। थोड़ा थोड़ा मिल रही थी ना तुम मुझे खड़ूस लड़की, अब देखो तुम्हारे पास मैंने तुम्हारा अपना कुछ नहीं छोड़ा। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ लविंग हस्बैंड, वो सबसे ज्यादा वाले आफत होते हैं इन मामलों में। अपने आप के कारनामों पर फहर करे वो शिजा को मुसलसल हंसा रहा था, क्योंकि वो भी आहिल की संगत में गुलाब बनी हुई थी। बाकियों का पता नहीं, आप आफत के फिर डैडी निकले। अच्छा मुझे जाने दें, वो मिस्टर शाहतार समझेंगे मैं उनके घर पुरसकून हूँ, तभी अब तक सोई पड़ी हुई। मैंने अभी ये शो नहीं करना, कहूँगी सारी रात नींद नहीं आई मुझे उनके इस घर में। वो अपने नए इरादे बताती उठने लगी जब वो इस पर झुकते वापस शिजा का सर तकिए से लगा गया। लेकिन तुम्हारी नींद तो मैंने झपटी रात भर। आहिल की मां नी हेजी पर वो हफीफ सा मुस्काई। उनको थोड़ा सा कह सकती हूँ सच? वो शर्माती हुई मनमनाई। तो आहिल को बेशुमार प्यार आया, इस लड़की की हर अदा ही दिल पर वार कर डालती। मुझे तो कह दो सच। आहिल ने उसकी गाल पर से रखते होंठों से छू कर जसारती लबो लहजा अपनाते फिर से शिजा की धड़कनें तेज कर दी। कल की रात बहुत खूबसूरत थी आहिल, वो फुरी आंखें मिलाती मुस्काई। शर्म का लिबादा उसके चेहरे का अंग अंग ओढ़े बावकार लगा। हर रात ऐसी खूबसूरत कर सकता हूँ तुम्हारी? उसकी गाल से गाल रगड़े लाड से बोला। अल्लाह को माने, उफ शिजा, आहिल का बड़बड़ा उठना। आहिल मुकदाम की हार्ट बीट मिस कर गया। मानता हूँ प्यार भी करता हूँ इससे कि मुझे तुम जैसी राहत दी, पटकने बहकने की उम्र में तुम सा हिलाल जाम थमा दिया उम्र शराबी को। उसके अल्फाज की हरारत पर सरता पैर दहक उठी। अभी कुछ देर पहले ही तो आहिल की कुर्बत की हिद्दत से निजात पाई थी। उफ आहिल, बहके हुए बहुत बुरे लग रहे हैं आप। वो गिरफ्त में मछली, आहिल ने इसे भीगे बालों को चूमा जो तकिए के दामन में फैलाए महक रखे थे। रात तो इससे ज्यादा गंदा बहका था, तब तो बड़ा प्यार आ रहा था मुझ पर। आहिल की बेलगाम जुबान स्टार्ट हो चुकी थी, अब शिजा का दम निकलने लगा था, तभी वो चिड़िया की तरह फड़फड़ाई। आहिल, वो रूहान सी हुई तो आहिल ने रहम खाते गिरफ्त नरम की। ओके चलो निकलते हैं। आहिल ने भी मस्तियां तर की और फ्रेश दोनों आ रेडी थे, तो बस जरा मुस्कुराते हुए अपने अपने बिखरे बाल समेटे और बाहर निकले। शाहताज तब तक मीटिंग मुकम्मल कर चुके थे। शिजा का तरोताज़ा चेहरा मानो दिल का सुकून बढ़ा गया, चूँकि आहिल शरारत से बस शिजा को ताड़ रहा था। उफ, इस लड़की के सामने होने पर भी दिल करंट खाए बंदे सा उछल रहा था, और वो अच्छे से जानता था अब शिजा के बिना उसकी कोई रात पूरी नहीं होने वाली। भले शिजा ने शाहताज को मुकम्मल माफ़ ना किया हो, लेकिन इतनी तसली वो आहिल के साथ इतना वक्त देकर लुटा आई कि शाहताज आलम के जिस्म दिल के रस्ते जख्मों पर मरहम लग गया। हादी और सबील का आज ऑफ था, और आज रात तक दोनों ने एक दूसरे के बारे फाइनल फैसला लेकर रुशाने को बताना था। खुद रुशाने आज पारस के साथ ही बिजी थी, क्योंकि जैकब मार की मौत की न्यूज पर नजर रखना और फिर सरा के होश में आने पर से अगली सजा देना ही आज के दिन की रूटीन में शामिल था। हादी आज फाइनली सबील को अपनी नानी से मिलवाने वाला था, जो एक छोटी से सी फूड पॉइंट ओनर थी, और उनके हाथ के बने इटालियन शवारमा यहाँ कैलिब्रिया के छोटे से इलाके में काफी फेमस थे। दोनों ने ब्रेकफास्ट नानी के साथ ही करना था, क्योंकि आज वो अपने फूड पॉइंट को अपने दो वर्कर्स के सपोर्ट करे हादी और स्पील के लिए फेमस इटालियन ब्रेकफास्ट बना रही थी। गाड़ी इन छोटी छोटी स्ट्रीट्स में जाने से कासर थी, तभी हादी और स्पील को 5 मिनट घर तक पैदल चलकर जाना था, और यहाँ के घर भले तंग गलियों के दाएँ बाएँ बने थे पर जिबाइश में नहायत जाजिब और खूबसूरत। फिर कैलिब्रिया की ठंड जो अभी से शिद्दत पकड़ती महसूस हो रही थी, वो हादी के साथ इन खूबसूरत साफ सुथरी और इर्द गिर्द लगे मनी प्लांट से सजी सड़क पर साथ हो ली। दोनों ने ही ब्लैक कलर के आउटफिट चुने तो काफ़ी मैचिंग फीलिंग देते वो प्यारा कपल लग रहे थे। जब रोशाने मैम ने तुमसे पूछा तुम क्यों घबराए, मैं तो चलो लड़की थी, रिश्ते की बात पर घबराना फितरी होता है। वो उसके साथ ही वॉक कर रही थी। हादी जो जहन और दिल के निशात पर अभी से सबील के साथ मोहब्बत भरे लम्हे सोच रहा था, ठटका फिर गर्दन मोड़ कर उसे एक बेखुद नज़र में लिया। मर्द भी घबरा सकते हैं जब उनके दिल में छुपी बात को इतने आराम से ख्वाहिश में डाल दे। वो जो बोला इसे खुद अंदाजा ना था। सबील के कदम रुके और दिल भी।
मैं तुम्हारी ख्वाहिश हूँ हादी। उसका हाथ पकड़कर दबा गई। शायद पहली बार किसी ने हादी के हाथ को इतनी हलावत से थामा था। रुकी अथाह गहराइयों तक निशात उतरा इन महमली हाथ की पोरों से। मैंने ऐसे कहा क्या? वो घबरा कर हार छुड़ाए जब आगे बढ़ा। सबील ने अपने मुंतशिर दिल को संभालने के लिए सीने पर गहरा सांस भरते हाथ रखा। उफ़ इस लड़की की वो दिलफरेब वो बेखुद मुस्कराहट जो हाथी की बुखलाहट पर लबों के किनारे तक आ लपकी। तुम्हारा जवाब हाँ तभी था ना, बताओ भी। वो हम कदम होती हाँ भी, क्योंकि हाथी के कदमों की रफ्तार बेहद तेज हो चुकी थी। इस बार फिर सबील ने उसका हाथ पूरी कुव्वत से उंगलियों में उंगलियां डाले जकड़ा तो हाथी बीच सड़क के रुकने और पलटने पर मजबूर हुआ। सुबह की नर्म धूप को स्ट्रीट के बीच लगे छातों की रंगीन बाढ़ रोकने की कोशिश में कामयाब थी। दीवारों के बीच रंग बिरंगे फूलों के पौधे अटके थे तो पैरों तले का फर्श ईंटों की साख छलका रहा था, जबकि हाथी की आंखें सबील पर फुर्सत से जमी थी। ऐसी फुर्सत जो सबील को जवाब के लिए होंठों के इजहार का मोहताज न रहने दे सकी। आई थिंक मैं जवाब जान गई, लेट्स गो। घबराते हुए नजरें जेरक करने के बीच हादी के हाथ से अपना हाथ निकालते बिखरती सी सरगोशी की जो इस शख्स के हाथ न छोड़ने पर मजीद टूट गई। अच्छा है तुम सब कुछ आंखों से जान गई, कहना भी मुश्किल है, कह दिया तो खुद को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। हाँ इतना कह देता हूँ, इस दिल के बिना वजूद वाली लड़की मैं जल्द एक दिल उतारूंगा मैं, जो मेरे जज्बात का जहाँ होगा। एक हाथ से सबील का हाथ थामा तो दूसरे से उसके झुके चेहरे पर जोलती बालों की लटें हटाई। वो जेरक नजरें तड़प कर उठी, हाथी पर जा जमी, दफतन इनमें नमी गुली। शायद जिस मोहब्बत और शिद्दत की वो ख्वाहिशमंद थी वो मुजस्म हादी की सूरत पा लेने पर उसके जज्बात भी बेकाबू हो चुके थे। तभी तो आंखें रोककर इन जज्बात का इजहार करने को बेताब थी। मैं इस दिल के साथ धड़कने के लिए तैयार हूँ हादी, कोरे अर्ज पर चंद अनमोल इजहार मोहब्बत के आसमान में नाचते फिरते हैं, ये उन्हीं में से था। हादी के लिए ये एजाज कम नहीं था कि वो लड़की अपने अधूरेपन के बावजूद हादी की चाहत समझ भी गई और सिला देने को भी बेताब भी है। दोनों मुस्कुराते हुए नानी के पास पहुंचे। वो बजाते हुए दिख हसीन दुनिया थी कदूस साहिबा की। हादी की माँ बाबा नानी दादी सब वही थी और आज तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उनके हादी उनके बचोंगड़े की दुनिया उनके घर चली आई। इनका बस ना चला वो इन अपनी जान राहों में बिछा दें। वो सबील से हल्की पुल्की बातों के बीच हादी को मिठास भरा इशारा करते बता चुकी थी कि उनको उनकी नवासी बहुत दिलो जान से पसंद आई है। और फिर अब मरहला बचा था वापस आकर दोनों का अपना अपना फैसला रुशाने की कोर्ट में सुनाने का। जब हादी और सबील ने वापस आकर अपनी रजामंदी दी तो रुशाने तो खुश थी, दुगना खुश पारस था, क्योंकि वो साथ बहुत सज रहे थे। कई घंटों का ऑपरेशन मुकम्मल हुआ तो अंतालिया में शाम उतर आई। उदास बदखवास थी शाम, सबके दिल सीनों में थमे थे। हातिब मुकदाम ने अपने दिल को इतना उदास मुद्दतों बाद महसूस किया जब इब्राहिम की कमी आसपास कहराम की सूरत महसूस हुई। सुहाना की तुहार आती जाती धड़कन इब्राहिम की सलामती के लिए दुआगो थी और फिर इंसुली पर लटके अफराद को आर या पार करने के लिए डॉक्टर तैमूर फाइनली ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। एक हैक्टिक और लंबी सर्जरी ने यकीनन उनको भी थका दिया था। सुहाना और हातिब लपक कर उनकी तरफ पड़े। अमायमा परीसा और हाशिम की भी सांस थमी थी। कैसा है इब्राहिम, सर्जरी कामयाब हो गई ना डॉक्टर, सुहाना की पूछते आवाज बैठी, जबकि हातिब भी परेशान हुआ। 90% कामयाब हो गई लेकिन इसने अपनी टेम्प्ररी तौर पर सूंघने और चखने की हिस्स खो दी। कोरोनरी ब्लड वेसल्स में नॉर्मल क्लोटिंग है जिसे डिजोल्व करने के लिए 5 दिन हमें दवाओं के जरिए असर मजीद रखना है होश दिलाए बिना, और हमें पूरी उम्मीद है जब वो जागेगा वो एक नॉर्मल हार्ट एंड बॉडी लाइफ गेन कर चुका होगा। ये भले थोड़ी उदासी वाली खबर थी पर इब्राहिम की जान बच गई, इसका दिल बच गया, इसने उदासी पर गलबा पा लिया। मतलब 5 दिन वो मजीद सताएगा हमें, गदा कहीं का। हातिब की आवाज़ भी बारी पड़ी, सब फीका मुस्कराए। अलबत्ता सुहाना तो मम्मी से गले लगे रो पड़ी थी कि 5 दिन इसके बिना कैसे रहेगी। वो बहुत स्ट्रांग है, वो सर्वाइव करने की पोजीशन में नहीं था, कि मेडिकल टर्म्स हैं हमारे जज्बात और फिक्रों से बारी हैं, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ 5 दिन बाद आप सब इब्राहिम की मुस्कुराहट देख पाएंगे इनशाला। बस इस उम्मीद ने बंद होते दिलों को तकवीत दी तो वो संभल कर धड़कने लगे, लेकिन 5 दिन गुजरने कैसे हैं ये मुश्किल था। सब पर बारी थे, जानलेवा थे। क्राइम सीन पर बरवक्त नर्स और रहबर के पहुंचने पर तमाम सूरत हाल का जायजा इन्हीं ने लिया। 6 की 6 गोलियां उन्होंने कैलिब्रिया की पुलिस से हाई अथॉरिटी परमिशन के थ्रू अपने कब्जे में ली, क्योंकि ऐसे केसेस की इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस को अलाउड नहीं था और अब वही होता जो FP में मुनासिब था। अबेल के लोगों ने इसमें बहुत हेल्प की, क्योंकि इटली की पुलिस अगर पैरासाइट या माफिया के कामों में मुदाखलत नहीं कर पाती तो इसमें 70% हाथ ईगल कमांडी का था।
باقی حکومتی پرمیشنز تھیں، کیونکہ یہ لوگ قانون اور حکومت کتنا ہی ایک الگ ادارہ تھے جس کی اپنی پوزیشن اور ویلیو تھی۔ اسماعیل شرازی کے دونوں مہرے اب اس کی نیند اڑا چکے تھے، لیکن وہ جلد بازی سے نہیں تحمل سے کام لینے والا تھا۔ رشیا سے پہلے نتالیا چلتے ہیں، تمہارا وعدہ وفا ہونا بہت اہم ہے۔ شام میں وہ پارس کے ساتھ واک پر نکلی، کیونکہ ڈاکٹرز کی طرف سے واک ریکمینڈ تھی۔ مجھے پتا تھا آپ سانس لینا بھول سکتے ہیں، مجھ سے کیا پرومس نہیں، تھینک یو، کب چلنا ہے؟ وہ چہکتی مسکراتی روبرو آن رکتی پارس کو بازوؤں سے تھام کر بولی، 3-4 دن تک، اسمال کی پلاننگ جاننے کے لیے ایک آدمی بھیجا ہے وہاں، وہ 3 دن بعد آ کر ہمیں تفصیل دے گا۔ اسی کے لحاظ سے ہم لاعمل ترتیب دیتے ہیں، ہی یا نتالیا نکلیں گے تاکہ اگر پیچھے سے اسمال سرا یا فریدون کو نکلوانے کی کوشش کرے تو ایف پی کا ڈپارٹمنٹ سے میرے اور تمہارے بنا بھی نپٹ لے۔ پارس نے اسے تفصیل دیتے بے پناہ مسرت بخشی، ساؤنڈ گڈ، آر یو ایکسائٹیڈ فار بردرز میٹ اپ پارس؟ یہ سوال کرتے روشانے کی آنکھوں میں حفیظ سی درد کی لہر اتری۔ پارس نے لمحہ بھر مشکل سا سانس کھینچے، نظریں دائیں طرف سرکائیں، پھر آہستگی سے روشانے کی گلے لگا۔ یہ ویسے گلے لگنا تھا جب کہنے کو کچھ نہ ہو اور بس کسی عمل سے اپنی ساری تکلیف بتانے کا دل چاہے۔ وہ شدت و محبت سے بازو اس کی طرف اطراف لپیٹ گئی، جیسے جانتی ہو پارس کو اس آرام کی کتنی ضرورت تھی۔ میں اس لمحے کے لیے تڑپ رہا ہوں، پارس اسا مغلانی کو سچ میں وہ بھول گیا تھا۔ آج اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کر یقین کرنا نہ منظروں کے لیے آسان رہا نہ روشانے کے لیے۔ میری جان، آپ کے قریب کسی تڑپ کو کبھی نہ آنے دوں میں، سوری، اداس کر گیا، بہت بری ہوں میں۔ وہ حصار توڑے روبرو آ کر اپنی مرمری ہتھیلیوں میں پارس کا خوبصورت چہرہ بھر کر خود پر برہم ہوئی۔ خبردار، خود کو کچھ کہا، جان لے لوں گا تمہاری کل کی طرح۔ پارس نے بھی ذرا شوہر کی طرح سے بینچ ڈالتے جو دھمکی لگائی۔ اس پر روشانے صاحبہ یوں کہ کاٹو تو لہو نہ بچا، جبکہ روشانے کے ڈر کر گلے لگنے پر وہ ایسا مسکرایا کہ موسموں کے ہاتھ رنگوں سے بھر گئے۔ اف، ظالم نیلی آنکھوں والے، تیرا مسکرانا۔ 5 دن گزر چکے تھے جیکب کی موت اور اس کی موت کے بعد ہوئے ہنگامے کو۔ 3 دن بعد پارس کی رشیا روانگی ڈن ہو چکی تھی، مگر چونکہ اس نے روشانے سے 1 دن کے لیے نتالیا جانے کا وعدہ کیا تھا، سو کچھ دیر پہلے ان کی فلائٹ اڑ چکی تھی۔ سیرا اور فریدون کا اسماعیل کی موت کیسے بنانا ہے، اس کی روشانے پوری تیاری کر چکی تھی، مگر سب سے پہلے جو اہم تھا وہ پارس اور حاتب کا ملنا تھا۔ اس میں وہ بہت بےتاب تھی، ایف پی میں روشانے کے سیکرٹ مشن کی تیاریاں عروج پر تھیں اور اسماعیل شرازی بھی جوابی کارروائی کے لیے کسی نہ کسی تیاری میں لگا ہوا تھا۔ وہیں دوسری طرف آج دن میں آسیہ کو کچھ گروسری کے لیے جانا تھا تو موہنی بھی ان کے ساتھ نکلی تاکہ ڈاکٹر ہزرا سے ملے۔ چونکہ موہنی نے ماما کو یقین دلایا کہ یہ ریگولر بلڈ چیک اپ ہے، تبھی وہ اسے ہاسپٹل ڈراپ خود ہزرا سے ملتے ہی نکل گئیں، جبکہ ہزرا موہنی کو اپنے کیبن میں لے آئیں۔ وہ کافی مرجھائی محسوس ہوئی، تبھی ہزرا نے اسے اپنے ساتھ کاؤچ پر بٹھایا۔ اتنا مرجھایا کیوں ہے میرا بیبی؟ ہزرا کی نرم شفقت بری سوالیہ بات پر موہنی نے ہزرا کی طرف دیکھا۔ ہزرا، مجھے اٹھتے بیٹھتے چکر آ رہے ہیں، کیا میں مر جاؤں گی؟ آنکھوں میں دفتن نمی بھرے اس نے گھبرا کر ہزرا کا ہاتھ جکڑا۔ وہ خود پریشان ہوئی، ارے ایسے نہیں کہتے، کیوں مرو گی تم، بہت جینا ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں ان چکروں کی وجہ، ڈائٹ تو ٹھیک لے رہی ہو نا؟ ہزرا نے اٹھ کر بلڈ پریشر چیک کرنے والے آلے کو پاس لا کر رکھے، موہنی کی بازو پر سے فٹ کرے، اسٹیتھوسکوپ نروس پر رکھتے پلس ریٹ اور پریشر ایک ساتھ ایگزامن کیا۔ موہنی نے فوراً سر اس بات میں ہلایا، کوئی پریشانی ہے موہنی؟ لو پریشر ہے، ہارٹ بیٹ بھی اب نارمل ہے، بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کیوں ہے یہ اب نارملٹی شو ہو رہی ہے، ڈونٹ وری، ڈائٹ اوپر نیچے ہوگی۔ ہزرا نے بھرپور تسلی تو دی، پر جب تک بلڈ ٹیسٹ ہوا اور ارجنٹ رپورٹ ہزرا نے منگوائی تب تک موہنی کی سانس تھمی رہی۔ تھینک یو، ہزرا نے رپورٹ دے کر جاتی نرس کو شکریہ کہا اور کھولنے سے پہلے موہنی کو دیکھا جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ مسکرا کر رپورٹ کھولی تو آگے جو نکلا اس پر ہزرا کے چہرے کے تاثرات بدلے، بے اختیار انہوں نے گھبرائی موہنی کو دیکھا۔ امپاسبل، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ضرور رپورٹ میں کوئی غلطی ہو گئی، میں خود جاتی ہوں۔ ہزرا کے ایک دم اٹھ کھڑا ہونے پر موہنی بھی گھبرا کر اٹھی، میں مرنے والی ہوں نا ہزرا؟ وہ دفتن رو پڑی۔ ہزرا نے نفی میں سر ہلاتے روتی موہنی کو قریب آتے خود سے لگایا، نہیں موہنی، رپورٹ سراسر غلط ہے کیونکہ یہ پریگنینسی شو کر رہی ہے، اول تو تم انمیرڈ ہو، دوسرا تم نے اگر کوئی ریلیشن بنایا بھی ہے تو تمہاری پریگنینسی بہت رسکی ہے۔ موہنی کے آنسو ہچکیاں اس کے حلق میں دب گئیں، وہ جلدی سے ہزرا کے حصار سے نکلی۔ واٹ، پریگنینسی مطلب بیبی؟ ہزرا اس کی حیرت پر اور رنجیدہ ہوئی، یس، ہزرا کے لہجے میں افسوس تھا، ابیل کا بیبی؟ وہ بدحواسی سے بربرائی تو ہزرا کے تاثرات پتھریلے ہوئے، واٹ، تم نے مسٹر ابیل کے ساتھ ریلیشن بنایا موہنی؟ ہزرا نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑا تو موہنی کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ گرا۔ ہز مائی ہسبینڈ ہزرا، موہنی کی آواز ٹوٹی تو ہزرا کا صدمے کا پہاڑ
कुछ देर तो वो दोनों ही कुछ बोल ना सकी। कुछ देर तक दोनों ही काउच पर साथ बैठी गैर मरी नुक्ते पर नजरें जमाए हुए थी। इस टू मच रिस्की आबेल, तुम्हारे लिए इतना फिक्रमंद था, टची था, इसने ये कैसे कर दिया ये जानते हुए कि तुम ये सब नहीं सह सकती, वो भी इस एज में। उफ मोहनी, तुम दोनों मुझसे डिस्कस तो करते बच्चे, हिजरा को रह रहकर खोल उठ रहे थे जबकि मोहनी समझ ना पाई ये खुशी कलम है या तकलीफ का। वो तो खुद अभी ना समझता बेबी थी और अब खुद माँ बनने निकल पड़ी थी। हिजरा, ही लव्स मी अ लॉट, वो क्या इस पर आपकी तरह रिएक्ट करेंगे, क्या खुश नहीं होंगे? एक हसरत थी मोहनी की आंखों में। चंदा, खुश तो मैं भी हुई क्योंकि थैलेसीमिया पेशेंट लड़कियां प्रेगनेंसी गेन करने के लिए कई साल जतन करती हैं। तुम तो लकी हो कि इतनी जल्दी तुमने ये खुशी पाई। विद इन अ वीक इज सो नेचुरल एंड यूनिक, लेकिन मुझे तुम्हारी जिस्मानी कुवत के लिए डर लग रहा है। और यकीनन आबेल, अगर तुमसे सच में प्यार करता है तो मेरे जैसा ही हाल होगा उसका। हिजरा ने प्यार से उसके बाल सलाए जो निढाल लग रही थी। मैं ये आबेल को नहीं बता सकती हिजरा, वो आए तो आप कह देंगी, ये भी कहना कि मोहनी स्ट्रॉन्ग गर्ल है, मुझसे ये बेबी कोई ना छीने, करेंगी आप ये फेवर? वो बहुत ज़्यादा डरी थी। हिजरा ने जख्मी से मुस्कुराहट के संग इसे अपने सीने से लगाया। अगर तुमने प्रेगनेंसी इतनी नेचुरल पाई है तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ तुम इस यूनिक वे में इसे दुनिया में लाओगी। मैं आबेल को बताऊंगी, लेकिन अब तुमने हर दो दिन बाद मेरे पास आना है, मेरी सिस्टर गायनोकोलॉजिस्ट है, वही तुम्हारा केस देखेंगी। मोहनी ने उनकी हदायत पर सुदगी से सर हिलाया। चलो मुस्कुराओ, इतनी सी एज में मम्मी बना इज बिग थिंग गर्ल। हिजरा हंसी तो मुस्कुराहट मोहनी के होंठों पर भी मच ली। मैं अभी कुछ फील नहीं कर पा रही हिजरा, वो बेबसी से मिनमिलाई। हैरानी और परेशानी ज़्यादा है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ। फिक्रमंद तो हूँ पर खुश भी हूँ। तुम्हारा बेबी थैलेसीमिया माइनर से महफूज रहे, ये दुआ भी है और हमारी कोशिश भी रहेगी। बस तुमने स्ट्रॉन्ग गर्ल ही रहना है। वो हिजरा की तसल्ली पर थोड़ा बेहतर सांस भरे मुस्कराई। आबेल का रिएक्शन अभी तो इमेजिन करना भी दो बार लग रहा था। मैं उनके सामने कैसे जाऊँगी हिजरा? मोहनी ने घबरा कर हिजरा को देखते हुए इन्हें हंसा डाला। इतना सब कर लिया अब क्या मुश्किल? हिजरा की शरारती छेड़खानी पर वो जनप कर रह गई, चेहरा भी ब्लश हुआ तो फेर लिया। लेकिन मोहनी की मुस्कुराहट देखते हिजरा शिद्दत से इस बच्ची के लिए दुआ गोही और मोहनी को इस मुश्किल सफ़र से बाहिफाजत निकालना ही गोया उनकी ज़िंदगी का मकसद हो गया था। टंटना, एक स्पेशल सरप्राइज वाली एपिसोड कैसी लगी? अब आबेल का रिएक्शन यकीनन आप लोग जानने के लिए बेताब होंगे। ओ माय गॉड, बहुत ही हसीन होने वाला है क्योंकि वो भी सरप्राइज लेके आने वाला है। टंटना, तो ये 5 दिन का गैप मैंने इसीलिए दिया है ताकि कहानी को थोड़ा हम गेयर लगाएं, आगे करें। इब्राहिम को भी 5 दिन मैंने डाल दिया, मैंने कहा चल तू जा सदमे में जा और कोमे में जा, हम ज़रा स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड जो 69 हो जाएगी, बहुत ही प्यारी। आय हाय, आह हा हा, सोच के ही ना बस चस आ गई है। तो आपको पढ़ के क्या क्या फील होने वाला है। तो और नेक्स्ट जो मैंने स्नीक दिया था, क्या नाम था उस नावल का, हाँ, खुमारे जानम, इसके बाद आने वाला है बहुत ही प्यारी और गुदगुदाती सी कहानी है, छोटी सी होगी लेकिन अंत वाली कमाल वाली एपिसोड, दो कपल होंगे उसमें, बहुत ही मज़े वाली होने वाली है। ऐसे ऐसे मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देती चाहूँगी जैसे जैसे ये नावल एंड होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा सा रिव्यू, लाइक, शेयर, कमेंट देते जाइएगा फर्ज समझ कर, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब ये मेरा हमेशा फंस जाता है, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।